अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आबिदा बलोच और आज मैं कुछ पर्सनल, बहुत ज़्यादा पर्सनल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा पर्सनल है, आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जिसमें मेरे पास पहला सवाल क्या है, कुकिंग इंस्पिरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ही लड़कियों की, क्योंकि सबसे पहले कुकिंग करते हुए देख रही होती हैं अपनी मदर को, तो कुकिंग इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि अम्मी, हमारी अम्मी बहुत अच्छा मज़ेदार खाना बनाती हैं और मुझे लगा इनकी इतनी तारीफ होती है, मेरी क्यों नहीं होती, मेरी भी होनी चाहिए। और इंस्पायर किया उनकी कुकिंग ने और फिर अल्टीमेटली जो है वो खाना बनाना स्टार्ट। मेरी एज तकरीबन आई थिंक आई वाज 10 और 11, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि मैं किचन में जाऊं, लेकिन यूजुअली अम्मी दोपहर में सोया करती थी, बस वो गोल्डन टाइम होता था मेरे लिए और मैं लाजमी जाती थी और अपनी पसंद का कुछ मीठा बनाती थी। मीठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और तो कह सकते हैं कि काफ़ी यंग एज में बनाना शुरू किया, क्योंकि शायद खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बैलेंस करने के लिए मैं यही कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। अक्सर हम, ये होता है कि वर्किंग लाइफ नहीं होती है, हम घर में ही होते हैं तब भी हमारे काम नहीं हो पाते, तो सबसे पहले तो यही है कि वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। मैं और आप, हम सभी वक्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर हम वक्त को ज़ाया ना करें तो 24 घंटे बहुत होते हैं। ये जो लोग ढेर सारा काम करते हैं या करके गए हैं, वो उनके पास भी यही 24 घंटे होते थे और हमारे पास भी यही 24 घंटे। मसाला टीवी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मसाला टीवी की तमाम ही बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हमारे सुनने वाले जो हैं वो क्या सुनना चाहेंगे। हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़बरदस्ती है। और मसाला टीवी के लिए मैं ये कहूँगी कि हमारी अम्मी भी जो चीज़ पसंद कर रही होती है, या मैंने जब देखना शुरू किया था तो मज़ेदार मज़ेदार से खाने और वो चीज़ है और चिकन और कबाब बन रहे हैं, धुआं उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा मज़ेदार सा, टैम्पटिंग सा लगता है। हम सब की एक फितरत है कि हमें मज़ेदार खाना देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ये मसाला की सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़। फर्स्ट फैन मोमेंट तो बहुत ज़्यादा याद रहता भी नहीं है, लेकिन मैं एक तो ज़रूर कहूँगी कि हमारा कराची मसाला फेस्टिवल, क्योंकि मैंने जनवरी में मसाला ज्वाइन किया था और उसके बाद फेबररी में हमारा मसाला फेस्टिवल हुआ था। लेकिन एक बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट ज़रूर रहा था कि मैं अपनी बहन के साथ एक लोकल सी मार्केट में थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई मुझे रिकॉग्नाइज़ करे, और उन्होंने मेरी बहन से फ़ौरन पूछ लिया कि ये आबिदा बलोच, और उन्होंने झट से कह दिया हाँ, और बाद में मेरी उनसे बड़ी लड़ाई हुई, क्या तुम ये कह नहीं सकती थी कि नहीं। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट रहा। बहुत सी बातें हैं जो शायद उनके लिए फ़नी ना होती लेकिन हमें फ़नी लगती हैं, तो जो चीज़ मुझे अब तक लगी कि बड़ी फ़नी सी लगती है और लोग जो है वो बड़ी क्यूरियोसिटी और पूछना चाहते हैं कि ये सुबह से शाम तक इतने मज़े मज़े के खाने बनते हैं, ये कौन खुश नसीब है जो वो खाने खाता है, तो अक्सर यही सवाल किया जाता है कि आप लोगों के खाने कौन खा रहा होता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें मसाला टीवी रेसिपीज़, जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है।